आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज हम वर्ष 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक का शुभारंभ भी हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए केवल एक रस्म भर नहीं है, बल्कि यह खास दिन पर्यावरण के महत्व को उजागर करने और लोगों को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व वाले देश के रूप में भारत के लिए परंपरागत रूप से जीवन जीने का एक तरीका रहा है और कई समुदाय अभी भी प्रकृति को एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखते हैं। यह विश्व भारत सरकार की पहल पर इस बात पर मंथन करने का एक विशेष अवसर है कि देश कैसे कई संस्कृतियों पर व परंपराओं पर आधारित कार्यक्रमों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। पेड़ उगाना, हरा भरा शहर, फिर से जंगल बनाना, खान पान में बदलाव या नदियों व तटों की सफाई पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की प्रक्रियाएं हैं। उसमें उन बातों को भी शामिल करना आवश्यक है जिन्हें हम भूल चुके हैं अथवा जो नष्ट प्राय हो चुकी हैं। साथ ही साथ स्वस्थ पारिस्थितिकी की तंत्र का संरक्षण भी जरूरी है। बहाली कई तरह से हो सकती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र को उसकी मूल स्थिति में वापस करना हमेशा संभव नहीं होता है। हमें अभी भी उस जमीन पर खेत और बुनियादी ढांचे की जरूरत है जो कभी जंगल था, और यही प्रकृति की जरूरत है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के हस्तक्षेप के आर्थिक लाभ निवेश की लागत से कई गुना अधिक हैं। हर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया जा सकता है। जंगल, खेत, शहर, आर्द्रभूमि और महासागर, सरकारों और विकास एजेंसियों से लेकर व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों तक लगभग किसी के द्वारा भी बहाली की पहल शुरू की जा सकती है। आइए देश में स्वच्छता अभियान की अलख जगाने वाले पर्यावरण की रक्षा के सेनापति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों पर विचार करें जिन्हें विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रारंभ किया गया है। किसी न किसी रूप में भूमि का क्षरण गंभीर चिंता का विषय है जो कृषि की स्थिरता को खतरे में डालता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश एवं बहते पानी के कारण भूस्खलन और वनों की कटाई, जंगल व अन्य मैदानी क्षेत्रों में अतिचारण और दोषपूर्ण सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण मिट्टी, पानी व हवा के कटाव को उजागर करती है। भारत उन 70 देशों में से एक है जो मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल है, जिसने कन्वेंशन की भूमि क्षरण तटस्थता रणनीति के एक भाग के रूप में वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों तक पहुंचने का वचन दिया है। UNCCD के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने भूमि क्षरण
तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ भूमि क्षरण व मरुस्थलीकरण से निपटने कई नीतियों कार्यक्रमों को लागू किया है। सरकार प्राकृतिक खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना, जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे निश्चित ही पर्यावरण को असीमित फायदा होगा। पवित्र गंगा नदी की शुद्धता केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। गंगा के किनारे जितनी खेती है उसे प्राकृतिक में बदलने की योजना क्रियान्वित की जा रही है, ताकि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह गंगा नदी में न जाए। जल पर्यावरण की दिशा में यह कदम मील का पत्थर हो सकेगा। हमारे देश के दूर दराज के वनवासी इलाकों में, जहां बहुतायत में आदिवासी वर्ग के लोग स्थानीय खेती करते हैं और वे अधिकांशतः खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अथवा कुछ जगह करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, उन पूरे वृहद क्षेत्रों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसा क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। इससे ये क्षेत्र प्राकृतिक खेती के रूप में ही उपयोग किए जाएंगे। सर्टिफिकेशन के फलस्वरूप किसानों की आय बढ़ेगी, नए नैनो फर्टिलाइजर की आमद भी खेती किसानी में हुई है, जिनके कारण सामान्य फर्टिलाइजर की खपत कम होगी, जिससे निश्चय ही खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के बीच टिकाऊ कृषि के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक कृषि में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना है। सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सटीक जल उपयोग ने खेत के स्तर पर जल पद चिन्ह को कम करने में बहुत बड़ा वादा दिखाया है। माइक्रो इरिगेशन का बजट पहले 5,000 करोड़ रुपए का था, जिसे इस बजट में बढ़ाकर केंद्र सरकार ने दोगुना कर दिया और अब 10,000 करोड़ रुपए के बड़े फंडे के सूक्ष्म सिंचाई द्वारा खेतों को अन्नदाताओं को काफी लाभ होगा। इसके कारण भूमिगत जल कम निकाला जाएगा, जिससे सीधे सीधे पर्यावरण को अत्यधिक फायदा होगा। सरकारों ने नई पॉलिसी बनाई है ताकि केमिकल खाद का कम उपयोग हो और खेतों की स्थिति सुधरे। मक्का से एथेनॉल बनाने की योजना पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सतत काम चल रहा है, जिससे आयात कम होने के साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत में कमी आने से भी पर्यावरण की बहुत रक्षा होगी। हमारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कृषि आय बढ़ाने और गैर कृषि रोजगार के सृजन के अलावा संरक्षण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे में ऑन फार्म और ऑफ फार्म निवेश के माध्यम से कृषि और संबंध क्षेत्र के उत्पादन के बाद के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य अपव्यय पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि करता है, जिससे काफी हद तक बचा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी योजनाओं के माध्यम से फार्म गेट बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करके खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और
विभिन्न कृषि बागवानी उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करके फसल के बाद के नुकसान में कमी की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाप्त।